हेलो फ्रेंड्स, तो मैं करण कुमार गुप्ता। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के अंदर का वर्क का ये आपको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से कंप्लीट हुआ है और किस प्रकार की सुंदरता है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, किस प्रकार से सीढ़ियाँ हैं, कितनी अद्भुत बनाई गई हैं। और ये मैं वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हों तो आप जो है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घूमने के लिए चले आएँ और उसके अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से होगा। जो उसकी कलाकृतियाँ और कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है अंदर से बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत होता है फ्रेंड्स। जैसा आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन, और जैसा कि ये मेन गेट है, ये मेन गेट है, देख कर बतलाएँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं करण कुमार गुप्ता वाराणसी से। जैसा कि मैं आप सभी को ये वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और देख सकते हैं कि अभी मटेरियल के सभी चीज़ें रखी हुई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो देख करके कैसा लग रहा है। जो ये अंदर का कॉरिडोर बना हुआ है किस प्रकार से आपको कितना अच्छा लग रहा है और देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आगे चलिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि ये देख सकते हैं ये मुंशी घाट है और मुंशी घाट के सामने का कुछ व्यू इस प्रकार से है। इसका लुक सामने से कुछ इस प्रकार से है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंगा जी में नौका जो है कि विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं। तो ये सब देख करके आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुंशी घाट के जस्ट बगल में आपका दशरामा होटल है और उस घाट का नाम देखते हैं क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दरभंगा घाट है और इसके जस्ट बगल में आपका मुंशी घाट है और उसके जस्ट बगल में आपका अहिल्याबाई घाट था। और ये देखिए ब्रिजरामा होटल है जो कि वाराणसी का सबसे बेस्ट होटलों में से एक माना जाता है। और उसका देख सकते हैं कुछ उसके नाम से दो तीन बोट भी चलाई जाती हैं। और उसके जस्ट बगल में जो नौकायान, किस प्रकार से नौका जो है कि गंगा जी में चल रही है और कितना ये अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड की प्राचीन नगरियों में से एक हमारा वाराणसी, उसका लुक कुछ इस प्रकार से है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लोग स्नान कर रहे हैं और नौका का बैठ कर नौका में किस प्रकार से घूम रहे हैं और उसका आनंद उठा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे कमेंट करके बतलाइए व्यू कैसा लगा। हेलो दोस्तों, तो अब जो है कि हम ब्रिजरामा होटल प्रहलाद घाट जो था उसको हम लोग मैं क्रॉस कर चुका हूँ और अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं जो है कि लास्ट अस्सी घाट की तरफ जाऊँगा। और जैसा कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे कि किस प्रकार से देखिए नाव लगी हुई हैं और यहाँ से लुक कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देख सकते हैं ये जो घाट है, इस घाट का नाम राणा महल घाट है और इसका लुक सबसे बेहतरीन लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। और कितना खतरनाक आज का नज़ारा लग रहा है क्योंकि आज बहुत काफ़ी लोगों की मात्रा में भीड़ है। और इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ आज का दिन जो है कि संडे है। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में ही संडे है बट यहाँ पे कुछ खास इसलिए है क्योंकि संडे को ही लोग अधिक घूमने आते हैं बनारस में। हेलो मित्रों, तो मैं जो है कि आज वीडियो बनाते हुए मैं अस्सी घाट की तरफ चल रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से घाटों का टीला है, किस प्रकार से घाट के किनारे नाव लगी हुई हैं। मेरी वीडियो आपको जैसी भी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई त्रुटि हो इस भाई से तो वो भी बतलाइएगा क्योंकि मैं अभी नया नया स्टार्ट किया हूँ ब्लॉग वीडियो बनाना।
हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी घाटों में सबसे बेस्ट ये प्लेस जो कि मुझे लगता है, और इसके नीचे से जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा फील होता है। क्योंकि तो जैसा देख सकते हैं ये जो गलियां हैं ना, इसके बगल में जो ब्लैक ये आपका लोहे का चैनल या फिर जो भी रेलिंग है, ये बड़ा ही मस्त लगता है मुझे। और इसके सामने का व्यू कुछ उस प्रकार से है। अब इसके सामने का व्यू देखिए कितना अट्रैक्टिव है और कितना अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये देखकर कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगता ही है, आप बताइए कि आपको कैसा लगा। और कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी एक अच्छा व्लॉगर बनना चाहता हूँ और इंडिया के हर एक प्लेस पे जाना चाहता हूँ और वहाँ का वीडियो शूट करना चाहता हूँ और उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। सभी घाटों में से एक घाट यहाँ जहाँ पे हम टॉयलेट कर सकते हैं, और फिर बस यहाँ पे मैन ही टॉयलेट कर सकते हैं। तो ये घाट की एक हम कह सकते हैं कि एक बेकार चीज़ है, कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हर घाटों पे कम से कम 4 घाट 5 घाट छोड़ करके टॉयलेट बनवाना चाहिए। जैसे मैन एंड वुमेन दोनों ही देख सकते हैं आप मेरे सामने, 3 फॉरेनर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चले सब बोलना ही नहीं चाहे, बताइए, अंग्रेजवा आए सब। हेलो मित्रों, तो जैसा कि मैं आप पांड्या घाट पे आ गया हूँ, पांड्या घाट के सामने का व्यू कुछ इस प्रकार से है, और ये पांड्या घाट का लुक है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये महंत लोग हैं, बाबा लोग हैं जो कि घाटों पर बैठे रहते हैं और घाटों पर बैठ करके अपना जो कुछ भी होता है, जब महंत बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना उनको पड़ता है तो वो करते हैं अपना। और जैसा कि आप देख सकते हैं आप घाटों के किनारे नाव किस प्रकार से विचरण कर रही हैं। नहीं नहीं भैया, हम घाट पे घूम रहे हैं थोड़ा अभी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये पांड्या घाट है, और पांड्या घाट के व्यू कुछ इस प्रकार से है मित्र। तो बताइए सब देख करके आपको कैसा लगा, और आप क्या देखना चाहते हैं ये भी बतलाइएगा। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, मुझे इंडिया के हर एक प्लेस पे जाना है, उसके बारे में जानना है, उसकी हिस्ट्री जाननी है और उसको वीडियो के माध्यम समझाना है। तो बतलाएं फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे डॉग्स भी हैं जो कि अभी दोपहर का टाइम है तो धूप ले रहे हैं। अभी यहाँ पे टेम्परेचर नियर अबाउट 20 के आसपास होगा, तो ठंडा तो भी है यहाँ पे। और देख सकते हैं अब मैं जो है कि राजा घाट की तरफ जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि जब पानी ऊपर लेयर इसका पड़ता है, इसको इतना ऊंचा बनाया गया है, पानी ऊपर ना पहुंच पाए और घर जो है उनको बर्बाद डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो ये सामने का कुछ मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आप सभी को। आइए चलते हैं आगे की तरफ, अब राजा घाट की तरफ जाएंगे हम लोग। और देख सकते हैं ये बाबा हैं, हर हर महादेव बाबा। और मजा आ गया आज वीडियो शूट करने में, मजा आ गया। इस प्रकार से मजा आ गया क्योंकि आज मैं पूरी एकदम फ्रेंकली और खुल के बोल रहा हूँ, और ऐसा सोचता था कि भाई क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, तो थोड़ा थोड़ा बोलने का लहजा और बोलने का टोन बदल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं जो है कि राजा घाट पे आ चुका हूँ और राजा घाट को आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं ये राजा घाट है, वहाँ ऊपर लिखा हुआ राजा घाट, और ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इधर नाव लगी हुई है, कितना अट्रैक्टिव है ये प्लेस। बहुत काफ़ी साफ सफाई है यहाँ पे है। जब भी आप अपने लाइफ में फुर्सत में हो और इंडिया किसी प्लेस या कंट्री किसी प्लेस से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आएँ और घूमें, और गर्मी के समय में आएँ तो इसका यार अधिक सुकून उठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ जब गर्मी में हवा चलती है बहुत खूबसूरत हवा चलती है। थैंक्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें मित्र। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो घाट है किस प्रकार से साफ सफाई है, यहाँ डस्टबिन भी लगी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि घाटों पर थूकने का काम करते हैं जो कि अच्छी बातें नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये नारद घाट है, और नारद घाट के बगल में मानसरोवर घाट है। तो इस प्रकार से घाटों से घाटें अटैच हैं और घाटों के सामने नाव हैं। तो बताइए
ये सब आपको देखकर कैसा लग रहा है? महादेव, देख सकते हैं एक भाई जो है कि यहाँ पर अपनी नाव को बना रहे हैं। अब मार्च के बाद जब जुलाई उलाई में पानी का जब समय आता है तो समझ लीजिए कि पूरा ये सब डूब जाता है। जितना ये मानसरोवर घाट का आपको ये ब्लैक वाला पोर्शन या जो टीन वाला पोर्शन दिख रहा है ये सब डूब जाता है। महादेव बाबा, महादेव महादेव। उस दिन आया तो बाबा नाराज हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए छमेश्वर घाट है और ये छमेश्वर घाट का देख सकते हैं आप कुछ व्यू इस प्रकार से है और इसके फ्रंट का व्यू कुछ इस प्रकार से है। देख सकते हैं कि मैं दशाश्वमेध घाट से होते हुए यहाँ पे आ चुका हूँ और इसके फ्रंट का व्यू किस प्रकार से है। लोग नौकायान कर रहे हैं तो आपको देख कर ये कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्र आइए चलते हैं हमारे की तरफ और उधर का व्यू बनाते हैं, कुछ देखते हैं उधर का नज़ारा कैसा है। हेलो मित्रों, तो देख सकते हैं कि घाटों किनारे जो वॉल्स हैं उन वॉल पे किस प्रकार से कलाकृतियाँ की गई हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं कि बनारस से हैं या बनारस से अदर हैं जो वर्कर्स हैं तो घाटों पे किस प्रकार से सो जाते हैं और कुछ लोग तो भिखारी भी होते हैं तो उनको गवर्नमेंट पे ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को उनके ऊपर, क्योंकि कुछ हेल्प हो सका ऐसे सो ना पाए वो। देख सकते हैं कि घाटों पे किस प्रकार से कलाकृतियाँ की गई हैं और घाटों को सुंदर बनाने का कार्य किया जा रहा है। ये सामने का कुछ व्यू है। अब मैं चलते हुए बस सस्सी घाट पहुंचूंगा, काफी बहुत देर हो चुका है। अब मैं किरार घाट की तरफ जाऊंगा, वहां का मैं आपको सीन दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसा लग रहा है ये सब आपको देखकर। ये सब देखकर आपको कैसा लग रहा है सारी बातें बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये देख सकते हैं केदार घाट के साइड का व्यू दिखाने का प्रयास करूंगा और ये देख सकते हैं मैं दशाश्वमेध घाट वहां से लेकर यहां तक आ चुका हूं और ये घाट सबसे बड़ा घाट लगता है। इस वे में यहां पे आप खेल कूद सकते हैं और बड़ा ही अच्छा इससे बड़ा एक घाट है उसको भी दिखाऊंगा, थोड़ा आगे दिखाऊंगा। और हम चलते हैं केदार घाट, हनुमान घाट ऐसे होते हुए अस्सी घाट की तरफ जाएंगे और ये देख कर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। हेलो मित्रों, तो देख सकते हैं ये आपका किदार घाट है और ये विजयनगर घाट है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीचे यहाँ पे कुंभ टाइप सा बनाया गया है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और इसके ठीक फ्रंट का व्यू यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों ये आपको देख करके कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो मित्रों, तो मैं जा रहा हूँ देखिए हरिश्चंद्र घाट की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से भैया नाव अपना बना रहे हैं और ये नाव बहुत दिनों से बन रहा है, नियर अबाउट 3 महीने से 2 महीने से मैं इसको देख रहा हूँ ये नाव बन रहा है। ये लंबा नाव है, बड़ा नाव है, इसलिए इसमें अधिक टाइम लग रहा है। अब मैं हरिश्चंद्र घाट की तरफ जाऊँगा और वहाँ का आपको व्यू दिखाऊँगा किस प्रकार से यहाँ पे हिंदू धर्म में पार्थिव शरीर का दाह संस्कार होता है। तो आइए चलते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हेलो मित्रों, तो जैसे कि मैं दिखा सकता हूं आप सभी को, देख सकते हैं ये आप, ये राजा हरिश्चंद्र घाट है और यहाँ पे पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, उसको जलाया जाता है और इस घाट की अपनी कहानी एक है जो कि अलग और आश्चर्य करने वाली कहानी है। तो आपको ये देख कर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो मित्रों, तो अब मैं जो है कि हनुमान घाट की तरफ आ चुका हूँ। ये देखिए हनुमान घाट है और ये इस घाट की अपनी एक स्टोरी होगी, उस स्टोरी को मैं दिखाऊंगा
और जैसा कि सामने आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसका व्यू कुछ इस प्रकार से है। और मैं दशाश्वमेध घाट से होता हुआ यहाँ पे आ चुका हूँ और फ्रंट का व्यू कुछ फ्रेंडों, मित्रों, भाइयों, बहनों सब इस प्रकार से है कि देख सकते हैं आप। अब थोड़ा ही दूर पे आपका चैसिंग घाट है, तो आइए चलते हैं।